नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में मैं हूं आदित्य शर्मा दोस्तों हम सब यही चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो लेकिन बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें भी तो आती हैं, है ना यदि बात करें बुजुर्गों की तो आए दिनों बुजुर्गों की दयनीय हालत की चर्चा की जाती है उन्हें समाज में दया के भाव से देखा जाता है आखिर क्यों बुढ़ापा तो हम सभी को एक दिन आना ही है ये सच है कि बुढ़ापा उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जब बोलने में परेशानी होती है चलने फिरने में दिक्कत होती है और साथ ही और भी कई समस्याएं होने लगती हैं और व्यक्ति को बुढ़ापे का तमगा लग जाता है उसे असहाय और कमजोर बना दिया जाता है लेकिन आज हम इस सोच को थोड़ा तोड़ना चाहते हैं और बताना चाहते हैं क्या सफेद बाल ही हो जाना बुढ़ापा होता है पाचन शक्ति का कमजोर पड़ जाना ही क्या बुढ़ापा होता है या फिर ढलती आयु ही बुढ़ापा है तो क्या फिर इसे संभाला जा सकता है हेल्दी एजिंग से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम सभी को जानना चाहिए साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि बढ़ती उम्र में कौन से रोग हमें हो सकते हैं इसे कैसे बचा जा सकता है बता दें कि हमारा मकसद आपको भ्रमित करना नहीं है बल्कि आधुनिक जीवन शैली से उपज रही इस समस्या से आपको बचाना है तो आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है साठ के बाद कैसे रहें स्वास्थ्य और मस्त जी हां आज का विषय है साठ के बाद कैसे रहें स्वास्थ्य और मस्त यदि आपके परिवार में भी कोई वृद्ध और बुजुर्ग हैं वो किसी समस्या से ग्रस्त हैं उनके व्यवहार में कोई फर्क आप महसूस कर रहे हैं तो बेझिझक आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं उनकी समस्याएं जो हैं उनका समाधान हमसे जान सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे टोल फ्री नंबर है एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः शून्य और एक आठ शून्य शून्य एक एक तीन शून्य छः एक ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है यानी आपका कोई भी पैसा इसमें नहीं लगना है और आपकी जो भी समस्याएं हैं सवाल हैं उनके समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अनिल गुरटू आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर और एचओडी हैं जो विशेष रूप से बताएंगे कि लंबी उम्र के साथ अपनी जीवन शैली कैसे स्वस्थ रखी जा सकती है साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं डॉक्टर विजय कुमार आप दिल्ली एम्स में जेरिएटेक मेडिसिन यानी कि वृद्ध जनों के उपचार के विशेषज्ञ हैं आपसे हम समझेंगे कि बढ़ती उम्र में कौन कौन से विकार हमें ज्यादा परेशान करते हैं आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम स्वस्थ किसान में नमस्कार तो बिल्कुल दोस्तों आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें जानने की कोशिश करें कि हमारे बुजुर्गों को क्या-क्या समस्याएं होती हैं और कैसे हम उन्हें सुलझा सकते हैं उससे पहले आइए हम ना डाल लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर और जान लेते हैं क्या होता है जब हमारी उम्र बढ़ती है की रेलम पेल में उम्र का धागा कब और कैसे खुलता जाता है पता ही नहीं चलता एक नवजात शिशु कब अपनी शैशव अवस्था छोड़कर युवा अवस्था में पहुंचता है पता ही नहीं चलता और पता ही नहीं चलता कब हमारा ही चेहरा हमसे ही चुगली करने लगता है और आईना भी कुछ कुछ भी बताने लगता है जी हाँ उम्र का बढ़ना तो शाश्वत सत्य है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 40 और 50 की उम्र में ही सोचने लगते हैं कि उन्हें जो जीना था जी लिया अब बची खुची जिंदगी किसी तरह और झांक कर देखिए अपनी जीवन शैली को कहीं आपके जोड़ों में दर्द मोतियाबिंद मधुमेह हृदय और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां आपकी गलत जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है गौरतलब है कि उम्र के हर पड़ाव पर जिंदगी करवटे बदलती रहती है हमारे रूप रंग में भी बदलाव आता रहता है और इसके साथ ही शुरू हो जाता है बुढ़ापे का दौर लेकिन आप चाहें तो बढ़ती उम्र को एक खूबसूरत एहसास बना सकते हैं बता दें कि 50 के बाद हमारे शरीर के हारमोन्स बदलने लगते हैं शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधि के धीमी बढ़ते ही पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है इस अवस्था में हृदय की दीवारें मोटी होने लगती है हार्ट रेट कम हो जाता है और फिर जरा सी बात पर दुखी हो जाना चिड़चिड़ापन और भूलने की समस्या के बढ़ जाने पर डिमेंशिया जैसी समस्या भी हो सकती है और फिर उम्र का वो पड़ाव भी आ ही जाता है जब कंपकपाती हाथ हैं ढूंढ नहीं पाती समय के इशारों को मोटे शीशे भी नहीं पहचान पाते अक्षरों को अखबार बिना खोले पड़ा रहता है टीबी चलती रहती है और वो सो जाते हैं बस यही तो है वृद्धावस्था हालांकि यह शारीरिक परिवर्तनों की वजह से होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इसे टाला तो नहीं जा सकता लेकिन संभाला जरूर जा सकता है और संभालने का बेहतर तरीका है वास्तविक आयु से कम दिखने के लिए खान पान पर ध्यान देना बढ़ती उम्र में प्रोटीन युक्त भोजन लेना जो हमें दाल टोंड दूध अंडे से प्राप्त हो सकता है स्वस्थ रहने के लिए किसी न किसी काम के साथ निरंतर जुटे रहना नियमित योग और व्यायाम को कभी नहीं भूलना जी हाँ एक बात और यदि आपके चेहरे पर तनाव और उम्र के निशान दिखने लगे तो कृपया शर्माइए नहीं जिंदा दिली और मस्ती के साथ जिंदगी के उजले पहलू को देखिए पॉजिटिव सोच रखिए यानी सकारात्मक विचार रखिए एक शोध के अनुसार जो लोग अपनी उम्र के बढ़ने को सकारात्मक रूप में लेते हैं उनकी आयु साढ़े सात साल बढ़ जाती है जी हाँ लेकिन जो कहते हैं कि उनको सताता है बुढ़ापा उनके जीने के अंदाज बदल जाते हैं मिजाज बदल जाते हैं और जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा मैं समझता हूँ कि उसी शख्स के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा राजेश मिश्र दूरदर्शन किसान सोच जो हंसते हुए बिताते हैं बुढ़ापा उसी के चेहरे को सुहाता है बुढ़ापा जागरूकता से लबरेज एक रिपोर्ट अभी आपने देखी आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले यहां पर मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर गोटू आपका बुढ़ापा अगर हम बोलते हैं तो किस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ना ही क्या हम बुढ़ापा मान सकते हैं दो चीजें हैं पहले बुढ़ापा अपने आप में बीमारी नहीं है जी। बुढ़ापा और बीमारी ये दो अलग अलग चीजें हैं जुड़ सकती हैं एक दूसरे से लेकिन है अलग जी। तो यह जरूरी नहीं कि क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं आप बीमार भी हो गए हैं यह जरूरी नहीं है लेकिन धारणा एक सोच सामाजिक सोच जो हम सब अपना लेते हैं हम सब में समा जाती है बचपने में ही और हम मान लेते हैं इस बात को सच के तौर पे कि बुढ़ापा बीमारी है और जब हम 20 साल के होते हैं तो एक 30 साल के आदमी को देख के कहते हैं अरे ये तो बहुत बुरा है जब तीस के होते हैं हम पचास साल के व्यक्ति को देख के कहते हैं तो बहुत बुरा धीरे हो गया सोचना है ये और जब पचास साल के होते हैं कहते हैं, नहीं अभी 50 साल तो ठीक है लेकिन साठ साल के आदमी को देख के कहते है ये ये हो गया है। तो ये जो सोच सोच है जो सोच का जो का ढांचा है वो एक सामाजिक कहानी है जो कि हम बहुत यंग एज में ही जी। अपने में समा जाती है हमारे अंदर हमारी सोच में समा जाती है और वो एक वास्तविकता के रूप में हमें दिखाई देती है और जब हम वृद्ध अवस्था में आते हैं खुद हम मान लेते हैं उसी को जो कि हम पहले औरों पे थोपते थे जी बिल्कुल तो एक सोच हम कह सकते हैं कि सोच हमारे बुढ़ापे को मुश्किल बना मुश्किल बना है अगर है। हम अच्छा सोचे सकारात्मक सोच सकरात्मक कर चले तो हमारी हमारा जो आगे आने वाला समय है उसे हम बुरा नहीं मानेंगे अच्छा ही मानेंगे हंसते हुए बीत जाएगा हमारा जो बुढ़ापा है बिल्कुल ऐसे में डॉक्टर विजय आपसे जानना चाहूंगी वृद्धावस्था की जब भी हम बात करते हैं तो लोग कह देते हैं कि जैसे डॉक्टर गुट्टू भी कह रहे थे कि सोच हमारी ऐसी हो गई है कि हम उसे एक समस्या के तौर पर लेते हैं आप जेरेटिक मेडिसिन के प्रोफेसर हैं उसमें आप काम भी कर रहे हैं आप बुढ़ापे को किस तरह से देखेंगे देखिए जो बुढ़ापा है जिसे हम असल में इस जो ये ज़िंदगी है इसकी भाग दौड़ में हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमारी उम्र बढ़ गई है हम अपने बच्चों के लालल पोषण में इतना बिजी रहते हैं फिर एकदम से हम जब रिटायर हो जाते हैं तो हम क्योंकि हमने सोचा ही नहीं कि हम हमारी उम्र जो है बढ़ रही है साथ साथ तब हमें एकदम से ये लगता है कि वी आर नॉट रेडी फॉर इट और जब हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं तब हमें लगता है कि हम एक अलग ही उसमें आ गए हैं जब उसके लिए जब तैयार वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है आज अमिताभ बच्चन जी हैं और जी। दूसरे हमारे जो लोग हैं कितनी उम्र वो उम्र के हिसाब से नहीं है जब तक आप एक्टिव हैं वो आप जवान लोगों से भी ज्यादा काम कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। तो एक सकारात्मक उम्र जितनी भी रखती उम्र से आपकी मानसिक स्थिति या उसका शारीरिक उसका कोई लेना देना है नहीं बिल्कुल धीरे धीरे उम्र के साथ कुछ बदलाव शरीर में जरूर आते हैं वो आपकी बचपन से लेके और जब तक आप जीते वो

जी नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में क्या सवाल है आपका जी हमारी घुटनों में बहुत दर्द है घुटनों में बहुत दर्द है क्या उम्र है आपकी मैम हमारी साठ वर्ष उम्र है जी और भी कोई समस्या है, सब... समस्या है आप... के जी आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे जी मैं सिर्फ यही पूछना चाहूंगा कि आपका कोई एक्सरे या कुछ हुआ है घुटने का कही? जी नहीं एक्सरे तो नहीं हुआ थोड़ा बहुत दर्द रहता है तो सीढ़ियाँ चढ़ने पे दर्द होता है कि आपको नीचे जमीन पर बैठने में दर्द होता है सर बैठने में सोते समय और चलने पर दर्द बैठने पर भी पर होता है चलने पर भी तो होता मैं सबसे पहले इन्हें कहूंगा कि ये एक बार पहले अपना एक्सरे कराएं घुटने का और उससे जो हमारे उम्र के साथ जो है घुटने की जो हड्डी है उसका तो जो जिसको हम आम भाषा में ग्रीस बोल देते हैं जो उनका जो स्पेस है ज्वाइंट स्पेस जो है घुटने के जोड़ में वो कम हो जाता है तो हड्डी एक दूसरे के ऊपर जो है लगने लगती है तो उससे ये दर्द उत्पन्न होता है इसमें जरूरी है कि आप जो एक तो जो ज़मीन पर बैठना है वो अवॉइड करें वो ना बैठें आप जो टॉयलेट होती है हमारी वो इंडियन टॉयलेट की बजाय आप इंग्लिश टॉयलेट जो कुर्सी वाली लेटरिंग होती है वो यूज़ करें तो आपके जो दर्द है वो कम होगा और एक बार एक्सरे करा के देखा जाएगा अगर जरूरत होती है तो आप उसका रिप्लेसमेंट भी करा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा वो होता है लेकिन क्यों... इसके लिए जरूरी है एक्सरे वगैरह इसमें मैं यहाँ ये हुँ. बात जोड़ना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को ये मिथ है ये भ्रांति है कि जो घुटने का ऑपरेशन सफल नहीं होता है और उन्होंने किसी एक आस पास में पड़ोस में या किसी नेता का या किसी का वो एक उदाहरण जो है अपने जी. पास रखते हैं कि उसके घुटने ऑपरेशन के बाद बिल्कुल खराब हो गए थे तो हमारे पास एम्स में बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया था बिल्कुल बेड तक सीमित हो गए थे हुँ. वो ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक चल रहे हैं अपना जीवन शैली जो है उनकी एक जिंदगी में नई बाहर आ गई है वो वॉक करने जाते हैं रिश्तेदारी में जाते हैं सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं जो सिर्फ एक बेड तक सीमित हो गए जी, थे। तो ये अपने मन से ये डर निकाल दें अगर जरूरत होती है आपको ऑपरेशन कराने की तो आप ऑपरेशन करा सकते हैं और अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू कर सकते हैं बिल्कुल तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बारी डॉक्टर को दिखा लें जो डॉक्टर आगे सलाह देते हैं उसके अनुसार ही इलाज करवाएं घबराए मत आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल सुलझ जाएगी लेकिन आपको उसकी तरफ पहला कदम ज़रूर उठाना होगा बिल्कुल बढ़ते हैं आगे डॉक्टर विजय आपसे ही जानना चाहूंगी सांख्य सांख्यिकी मंत्रालय की के अगर हम बात करें उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि वर्ष दो तक हर पांचवा भारतीय जो है वो साठ साल के अधिक उम्र का हो जाएगा और अभी की हम बात करें तो हर बारवा जो भारतीय है वो वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में श्रेणी में आता है तो ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं भी बढ़ जाएंगी तो क्या तैयारियां की जा रही हैं इस दिशा में देखिए ये जो समस्या है बुजुर्ग जो एक सिल्वर एज सिल्वर सुनामी जिसको बोला जाता है अभी हमारे देश को यंग इंडिया जो बोला जा रहा है ये अगले कुछ सालों में यही लोग जो है ओल्ड इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो उसके लिए तैयारियां सरकार कर रही है हुँ. हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जेनेट्रिक बेड सीनियर सिटीजन के लिए बेड उन्होंने आरक्षित कर दिए हैं और एम्स में नेशनल सेंटर फॉर एजिंग इसके लिए बन रहा है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नो फ्लोर की उसकी बिल्डिंग है उसमें सब डिपार्टमेंट्स होंगे और ऐसे ही चेन्नई में एक रीजनल सेंटर जो है बन रहा है पीजी चंडीगढ़ में एक बड़ा सेंटर ऐसे आ रहा है तो लेकिन ये सब ना जो है बहुत जरूरी स्टेप्स लिए गए हैं सामाजिक और न्याय मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा और ऐसे ही बहुत से स्टेप्स की ज़रूरत है और इसमें सबसे बड़ा जो हमारा रोल है जो फैमिली जो हमारी जॉइंट फैमिली जो का जो रोल है क्योंकि विदेशों में जो भी लॉन्ग टर्म केयर या जो ओल्ड एज होम्स के कंसेप्ट जो है फेल हो चुके हैं वहाँ पर सरकार का सबसे ज्यादा बर्डन फाइनेंशियल बर्डन जो है उनको लॉन्ग टर्म केयर्स में रखना या उस पर बहुत बड़ा एक बजट का हिस्सा उनपे जा रहा है तो हमारे देश में क्यों चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम एक था तो हम जो है अपने बुजुर्ग की जिम्मेदारी उसकी सेवा की जिम्मेदारी परिवार खुद लेता है जी। यह सिस्टम विदेशों में नहीं था तो वहाँ पर उनकी जो अर्थव्यवस्था इससे चरमरा गई है हमारे देश में ये एडवांटेज है कि हमारे देश में जो एक संयुक्त परिवार प्रणाली थी जो कि आजकल थोड़ी कम हो रही है मैं मानता हूँ आज डेवलपमेंट की दौड़ में लोग गाँव से शहरों की तरफ आ गए हैं लेकिन गाँव में आज भी जिंदा है और आज भी लोग ओल्ड एज होम की तरफ अगर कोई जाता है तो उसको गांव वाले जो दूसरे लोग हैं उसको एक सामाजिक बहिष्कार सा करते हैं कि आपका जो बुज़ुर्ग है वो ओल्ड एज होम में रह रहा है आप अपने बुजुर्ग की अच्छे से सेवा नहीं कर रहे हैं। तो एक सोसाइटल प्रेशर की वजह से लोग जो है आज भी एक संयुक्त परिवार में रहते हैं अपने बुजुर्गों की अच्छी देखभाल करते हैं तो इसमें जरूरी है हमें इसको और जिंदा रखना अपने बच्चों में ये संस्कार डालना कि बुज़ुर्गों की सेवा करना हमारा धर्म है हमारा धर्म है हमारा दायित्व है अगर हम यही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल बुजुर्गों को कोई समस्या ही नहीं होगी बढ़ते हैं आगे और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका क्या सवाल है आइए जान लेते हैं हेलो लगता है इनका फोन जो है डिस्कनेक्ट हो गया है कोई बात नहीं आप दोबारा ट्राई कीजिएगा और जैसे ही आपका कॉल लगेगा हम आपका यहाँ पर सवाल जरूर शामिल करेंगे बिल्कुल तो जैसे हमारे दो कॉलर्स ने अभी ट्राई किया लेकिन हम जवाब उनका नहीं दे पाए क्योंकि सवाल ही हमें नहीं पता चल पाया आप भी कोशिश कीजिए हमें कॉल कीजिए आपकी समस्याओं का समाधान हम आप तक पहुंचाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मजा आइए देखते रहे हमारा लाइफ फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को डटोलता कार्यक्रम जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप कैसे हैं आप कैसे हैं आप जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञान वर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप रविवार सुबह दस बजकर पाँच मिनट पर सहेजी कण कण को सुंदर दे रूप रंग आकार स्वस्थ जीवन रहे जमी पर इंद्रधनुष हो साकार देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह नौ बजकर तीस मिनट पर के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइफ ऑन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं साठ के बाद कैसे रहें स्वस्थ और मस्त आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं और इस वक्त भी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से कॉलर ने हमें कॉल किया है आइए उनका सवाल जान लेते हैं हेलो 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 नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में क्या सवाल है आपका आप मैडम ये है कि हमारी मैडम को हाथ हिलता है हाथ में कंपन होती है हाँ। जी क्या उम्र है हाथ हाथ दोनों हाथ हिलते उम्र क्या है? है हाँ। हाथ में कंपन होती है हम सब अच्छा पैंतालीस साल के हैं पैतालीस जी तो किसी आपने दिखा दिखा दिख? जी किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने हाँ दिखाया क्या बोला डॉक्टर वो डॉक्टर था इंदौर में तो क्या कहा उन्होंने हाँ, दिखाया मैडम तो क्या कहा है क्यों हो रहा है ये ऐसा कुछ बताया होती है।, है तो वो डॉक्टर पुराने को बताया बिल्कुल आप कुछ कहना चा, पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब इनसे कि क्या समस्या क्यों है ये समस्या डॉक्टर तो हाँ ने बताया था तो उन्होंने बताया तो मस्तिष्क से कोई बीमारी मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है बिल्कुल <laughs> क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर कंपन होती है इनके हाथों में और डॉक्टर को दिखाया है कहते हैं मस्तिष्क से संबंधित कुछ समस्या है देखिए कंपन होने के दो मुख्य कारण है काफी हैं लेकिन दो मुख्य है पहला जिसको हम बोलते हैं ट्रेमर यह एक आम ट्रेमर है हाथ में कप कपी रहती है जब कुछ काम करने की कोशिश करते हैं ज्यादा बढ़ जाती है जी। टेंशन होता है और ज्यादा बढ़ जाती है हुँ. हाथों में कहीं भी हो सकती है कुछ लोगों को गर्दन में होती है तो यह तो एक नॉर्मल एक आम है यह कोई खतरनाक नहीं होती बढ़ती भी नहीं है इसके इलाज भी हैं दवाइयां हैं और अगर परेशानी नहीं करती आपको रोजमर्रा के कामों में तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता है नज़रअंदाज भी किया जा सकता है दूसरी जो ट्रेमर है काफी कॉमन बुढ़ापे में वो है पार्कसन डिजीज जिसको हम बोलते हैं लेकिन वो ट्रेमर अपने आप में अकेली नहीं आती वो पहले एक हाथ में शरीर के एक हिस्से में आती है राइट या लेफ्ट किसी एक में फिर धीरे धीरे दोनों तरफ बढ़ जाती है लेकिन उसके साथ और भी कई लक्षण आते हैं जैसे आगे की तरफ झुकाव आना मतलब तो झुक तो जाता आगे की तरफ जो चाल है वो बिल्कुल खिसक खिसक के छोटी छोटे कदमों में जैसे जमीन से चिपके हुए ही खिसक खिसक के चलने लगता है आगे की तरफ झुकाव है जो हाथ ऐसे चलते हैं हमारे नॉर्मली चलते हुए या मुड़ते हुए वो जो आर्म्स है हाथों का जो चला चलना है हिलना है चलते हुए वो कम या बंद हो जाता है तो वो ऐसे चलते हैं ऐसे मुड़ते हैं जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा है एक पीस में मुड़ते हैं एक पीस में चलते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकाव हैं, और तमाम व्यक्तित्व में उनके एक धीरापन, धीरापन, हर चीज धीरे धीरे ये धीरे धीरे आती है पहले एक साइड फिर दूसरे साइड बिल्कुल अगर ये है तो पार्कसन है उससे इन्होंने कहा कि सैतालीस वर्ष है, उम्र है तो ऐसे में क्या कारण हो सकता है ज्यादातर पार्किसन इस एज में कम होती है इसमें इसेंशियल ट्रेमर्स बोलते हैं आम ट्रेमर जो कि दोनों में शुरुआती तौर पे ही दोनों हाथों में आती है हुँ हुँ। कोई घबराने की बात नहीं है उससे अगर रोजमर्रा के काम में वो कोई फर्क नहीं कर रही कोई हानि नहीं कर रही कोई रुकावट नहीं पैदा कर रही तो कुछ भी नहीं है सह लीजिए। थायराइड के बढ़ने से भी कई बार जो है ट्रेमर्स होते हैं और दूसरा जो इन्होंने बताया है कि इनकी उम्र जो है 47 साल है इसमें कई बार अर्ली पार्किसन डिजीज भी एक होती है वो भी हो सकती है तो इनको एक जरूरी है कि ये एक एम्स न्यूरोलॉजी में डॉक्टर विनय गोयल हैं जो कंपन के स्पेशलिस्ट हैं उनको एक बार आकर दिखा सकते हैं जैसे ही मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो वहाँ पर कहीं ये किसी को दिखा सकते हैं वहाँ पर किसी न्यूरोलॉजिस्ट को एक बार कंसल्ट सकते, सकते हैं अगर ये संतुष्ट नहीं है तो एम्स में डॉक्टर विनय गोयल हैं जो कंपन के स्पेशलिस्ट हैं वो उनके पास आके एक बार दिखा सकते हैं तो आप एक बार अपने आस जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं आप उनको दिखा लीजिए अगर वहाँ पर भी आपको ठीक नहीं लगता है तो आप दिल्ली का

कोई डाउट है कोई संशय है तो एक बार हमारे एम्स में आकर दिखा लें बिल्कुल तो आप एक बार एम्स का भी रुख कर सकते हैं यहाँ पर भी डॉक्टर को आप एक बार दिखा सकते हैं बिल्कुल डॉक्टर है, तो उसमें अधिकतर समस्याएं आ जाती हैं बहुत सारी परेशानी होती है और सबसे मुख्य जो होती है वो आ जाती है हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे डाइजेस्टिव अब देखिए एक चीज एक और धारणा जो आप सबको साफ होनी चाहिए शुरुआती दौर पे ही कि अगर आप जवान लोगों को ले अंडर ट्वेंटी फाइव तो वो सब में आपको एक रूप दिखेगा वो सब सामान्य होंगे एक तरह के होंगे भगा लीजिए भागना नहीं आता है तो भी भागेंगे गिरेंगे उठेंगे बैठेंगे किसी तरह कर लेंगे क्योंकि उनका नेचुरल जो एनर्जी है वो एक समान है सब में राइट ट्रेंड है अनट्रेंड है वो कर लेंगे मर गिर के किसी तरह लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है चालीस साल के बाद बुढ़ापा तो असल में पच्चीस के बाद ही शुरू हो जाता है लेकिन चालीस पचास के बाद एक गिरावट आती है नॉर्मली उसकी वजह से बूढ़े लोग विभिन्न होते हैं जवान लोग एक होते हैं बुढ़ापे में विभिन्नता भिन्नता दे अलग अलग तरह से रेट से अलग अलग सिस्टम में बुढ़ापा आता है या नहीं भी आता है

गैस्ट्रोपरिसिस के नाम से टेक्निकल बोलते हैं जो कि कोई खास मायने नहीं रखता मेरे लिए मेन थिंग होती है कि जो पाचन शक्ति है पेट की खाने को नीचे पहुंचाने की एंटेस्टिज में वो शक्ति वो गति थोड़ी धीमी हो धीमी जाती है।, है सब में नहीं कुछ कुछ में। लोगों में तो जिनको ऐसा होता है वो थोड़ा सा खाना खाते ही उनको पेट का फूलापन महसूस होता है कुछ दर्द दर्द सा दबाव सा आता है गैस बोलते हैं उसको थोड़ा खाया पेट फूला थोड़ा खाया पेट फूला ये हो सकता है तो इसके लिए दो तीन चीजें करनी है सबको पता होता है कि किन किन वस्तुओं से उनको ज्यादा होता होता है है या कम कुछ को किसी से कुछ को किसी का वो अपनी कहानी है वो मत खाइए वो कम खाइए दूसरा खाना एक तरफ एक तौर पे एक वक्त थोड़ा कम खाइए लेकिन ज्यादा बार खाना खाइए जैसे थोड़ा थोड़ा करके हर दो घंटे में हम खा सकते हैं और

हेलो हाँ जी मैडम जी जी नमस्कार स्वागत है आपका कार्यक्रम में आप अपने टीवी का आवाज कम कर दें फिर अपना सवाल पूछे जी मैडम जी अपना सवाल पूछे हड्डी टूटी हुई थी जी ये हड्डी टूटी एक साल से हाँ उसका एक साल से टूटी उसके कोई उपाय बताइए और आदात कम हो गई कहा की हड्डी टूटी है पैर की पैर की हड्डी टूटी थी हाँ। तो अब वो अब तो वो जुड़ गई होगी एक साल हो चुका है उसमें अभी जुड़ पाई वो एक अभी जुड़ पाई नहीं एक सराय सराय है ना अभी जी तो प्लास्टर लगवाया था आपने उम्र पूछिए। प्लास्टर नहीं रॉड डाली थी मैडम रोड डेली थी क्या उम्र है आपकी तेरह हाँ। से में चल जी बताएं डॉक्टर विजय क्या सब क्या हो सकता है मतलब ये कह रहे हैं कि रॉड भी डली है हड्डी भी नहीं जुड़ पाई हाँ है कई बार जो है नॉन यूनियन इसको हम बोलते हैं कि हड्डी हाँ जो है कई बार जुड़ नहीं पाती है तो उसके कारणों का वो देखना पड़ेगा तो एक बार हड्डी वाले जो डॉक्टर हैं उनसे इन्हें सलाह करनी चाहिए कि जो इम्प्लांट कई बार जो बोल रहे हैं कि रोड लगने के बाद भी नहीं जुड़ी है तो उसमें या तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर तो उसके जो एंड्स हैं जो हड्डी के एंड्स हैं उनको कई बार वो करके दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है तो इसमें जो है हमारे यहाँ या वहाँ पर भी किसी हड्डी वाले डॉक्टर को एक बार इन्हें कंसल्ट करना चाहिए जी बिल्कुल तो अभी हमारे डॉक्टर ने आपको सलाह दे दी है बिल्कुल डॉक्टर विजय आप बता रहे थे पाचन शक्ति के बारे में जी मैं बताना चाह रहा था कि जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से समझाया कि उम्र के साथ जो जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं ऐसे ही आपके अंदर की आंतड़ियाँ हैं उनकी भी उम्र उतनी ही है जितने आपकी बालों की है तो वो भी धीरे धीरे जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है उनकी जो आप खाने को आगे धकेलने की शक्ति है जी। तो खाना हम खाते हैं वो आगे धकेलते हैं और मल के रूप में जो बाहर निकलता है वो शक्ति थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाती है तो यहाँ पे रूल ऑफ थ्री एक होता है कि तीन दिन में अगर आपको एक बार आपका मल पास हो जाता है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है और दिन में तीन बार भी हो जाता है तो वो एक नॉर्मल चीज है बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा एक बार में पेट साफ नहीं होता है तो वो उसको एक बीमारी मान लेते हैं इसमें आपको बहुत से लोग जो है इसके पीछे अलग चूरन अलग चूर्ण खाते हैं अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं वो बिल्कुल एक डंडी लेके पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा पेट तो बिल्कुल साफ होना चाहिए बहुत से इसका एक मन में उनको एक साइकोलॉजिकल बहुत वो हो जाता है तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि दिन में तीन बार तक अगर होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और तीन दिन में अगर एक बार आपको हो जाता है तो उसमें इट्स नॉर्मल और अगर आपकी गैस वगैरह पास हो रही है तो ये नॉर्मल है तीसरा ये है कि जो वार्निंग साइंस हैं वो आपको याद रखने हैं कि जैसे वज़न कम होना आपका लेटरिन के रास्ते से खून वगैरह निकलना और कोई खून में जो उल्टी होना खून की तो ये सब वार्निंग साइंस हैं इनको आपको ध्यान रखना अगर ये होता है तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से मिलना या काली लेटरिंग होना है या बिल्कुल सफेद लेटरिंग होना ये सब कुछ वार्निंग साइंस है उस पे आपको जब हमें सतर्क हो जाना चाहिए ऐसे में बिल्कुल अब मैं ऐसे में बात करना चाहूंगी महिलाओं के बारे में डॉक्टर विजय जैसे हम बात करते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ काफी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ हमारी शारीरिक के साथ मानसिक समस्याएं भी काफी बढ़ जाती हैं ऐसे में आप क्या कहेंगे देखिए महिलाएं हमारी समाज में जो है चाहे वो जवान से लेके बुजुर्गों तक वही सेम समस्या है कि वो थोड़ा इग्नोर रहती हैं हमारे समाज में तो उनमें खून की कमी होना एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वो खाना जो है पूरी तरह नहीं खाती हैं तो उनके शरीर में प्रोटीन की कमी होना उनकी हड्डियों का कमजोर होना जो पोस्ट मीनोपोजल जो हम बोलते हैं कि जब ब्लीडिंग वगैरह बंद हो जाती है उसके बाद का जो पीरियड है उसमें उनकी हड्डियाँ जो हॉर्मोन्स की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से उनकी हड्डियाँ कम कमजोर हो जाती हैं और जैसे ही उनको कहीं छोटा सा झटका लगता है या कहीं से थोड़ा गिर जाती हैं तो वहाँ पर उनके कूले की हड्डी फ्रैक्चर हो जाना तो ये सब चीज़ें जो हैं महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा होती हैं और मल्टीपल डिलीवरी हैं उनकी थोड़ी जो वो मसल्स है, मसल्स पेल्विक फ्लोर जो हम बोलते हैं उससे फिर पेशाब जो है बार बार निकलना खांसी के साथ पेशाब निकल जाना जी। तो, तो ये सब चीजें हैं तो और आपने देखा होगा कि बहुत सी जितने भी हॉस्पिटल हैं वहां पे महिलाएं कम दिखाने जाती हैं डॉक्टर वो अपनी बीमारी को दबा कर रख पाल तो ये एक जरूरी है कि उनसे उनकी बीमा उनको भी हॉस्पिटल तक ले जाया जाए उनकी जो उम्र के साथ जैसे कम दिखाई देना है वो उसको उम्र का पार्ट मान लेते हैं उसको बीमारी नहीं मानते हैं तो उनको कैटरिक सर्जरी वगैरह करा के आप नया उनके जीवन में रोशनी ला सकते हैं बिल्कुल तो महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बिल्कुल वो खुद को तो कर देती हैं अपने परिवार के सामने वो अपने आप को इतनी महत्वता नहीं देती हैं तो ऐसे में जरूरी है कि हम सब परिवार वाले उनकी सेहत का ध्यान रखें और उनको बिल्कुल जब जरूरत हो तब डॉक्टर के पास जरूर ले जाए बिल्कुल तो वृद्धावस्था में क्या समस्याएं आ सकती हैं कैसे हम अपने बुजुर्गों को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं इस विषय पर हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप ही मजा ये देखते रहे हमारा लाइफ कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन के अंदाज को डटोलता जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप कैसे हैं आप कैसे हैं आप जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञान वर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप रविवार सुबह दस बजकर पाँच मिनट पर सितारों की दुनिया सुरों की मिठास फिल्मी सफर का हर एक मोड की कुछ दिलचस्प बातें, अदाकारी अंदाज और अदाए सिर्फ हमारी जुबानी तो देखना न भूलिए चित्रहार हर शुक्रवार रात नौ बजकर तीस मिनट आरोप के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे लाइफ ऑन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं साठ के बाद कैसे रहें स्वस्थ और मस्त आपके पास भी कोई सवाल है तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कीजिए आपकी सवालों के जवाब आप तक तो पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं और हमारी चर्चा जो है लगातार जारी है कि कैसे हम बुजुर्गों को बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ बिल्कुल सेहतमंद रख सकते हैं और इसी दिशा में हमारी जो चर्चा है उसे हम आगे बढ़ा लेते हैं और डॉक्टर गोटू आपका रुख चाहूंगी बुजुर्गों के साथ बच्चों का जो व्यवहार है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या हम मान सकते हैं कि बच्चों का जो जुड़ाव है वो आयु को बढ़ाने में सहायक हो सकता है देखिए सवाल बुजर्गियत का नहीं है बुढ़ापे का नहीं है जी सवाल है नजरिए का अब एक जवान किस नजरिए से किस मानसिक चश्मों से एक इंसान जो उसके आगे बैठा है उसको किस नजरिए से देखता है जी सवाल वो है जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि एक है कि बुढ़ापा मतलब एंड खत्म सब कुछ खत्म तो वो हम शुरुआती दौर पे स्कूल में ही वो अपना लेते हैं और अपने सोच में समा, जा, समा लेते हैं उसी धारणा को अब इस धारणा से लगभग हम हम कभी क्वेश्चन ही नहीं करते सोचते भी नहीं कि ये हो सकता है। गलत है जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है उसको हम देख नहीं रहे वो चश्मा में देखने ही नहीं दे रहा उसको तो उसमें दो उग्र एटीट्यूड्स सोच हुँ, सामने आती हैं बच्चे जब अपने वृद्ध पेरेंट्स को देखते हैं एक तरफ यह है कि बेचारा लाचार तो उनके प्रति बच्चों का जो एटीट्यूड है जो बिहेवियर है वो एक उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं आपने देखा होगा कि कई लोग एक बुरा आदमी आता है जोर जोर से बोलने लगते हैं वो सब ठीक सुन रहा है लेकिन हाँ भाई क्या हाल है कैसे हो जैसे कि वो उसको सुनाई नहीं दे रहा लेकिन उसको सब सुनाई दे रहा है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं वो से कि इसको बुरा है तो ये सुनाई नहीं देता दिखता नहीं है सोच खराब है इसकी याद नहीं रहता एक तरफ तो ये लाचार बेचारा जिसको हम बचपने की तरह से बच्चों की तरह से ही उनके तरफ व्यवहार करते हैं दूसरा उग्र गलत धारणा से जो निकल कर आगे आता है वो है कि उसको नजरअंदाज ही कर देना कि बूढ़ा है अलग कर दो टाइम पे खाना दो टाइम पे पानी दो दो तीन बारी हलो हाई कर दो ठीक है नमस्कार प्रणाम कर दो जी। और हमारा काम हो गया तो ये दोनों ढांचे सोच के ढांचे हैं नजरिया है बुढ़ापा नहीं है इंसान को हम नहीं देखने देता हमें ये इनको तोड़ना है पहली चीज़ बिल्कुल इनको तोड़ना है और क्या कदम उठाने हैं डॉक्टर आपसे स्वागत आपका कार्यक्रम में क्या सवाल है आपका जी नमस्कार मैं कन्या घाट से गोविंद वानेश्वर बोल गो रहा हूँ जी अपना सवाल आ... पूछे जी जी मेरा सवाल ये है जैसे साठ साल के बाद अपने यहाँ जो है वृद्ध हमारे जो बुजुर्ग हैं तो उनको मतलब ये खाना में उनका खान पान कैसा होना चाहिए और क्या खाना चाहिए और कौन सी चीजें में परहेज करना चाहिए जानकारी थी जी बिल्कुल बताएं डॉक्टर साहब कैसा हो खान पान साठ के बाद बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि साठ के बाद आप खाने में क्या लें ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि उनके शरीर को भी उतने ही प्रोटीन की ज़रूरत है बल्कि ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है क्योंकि उनके जो शरीर का अंदर का जो हिस्सा है इंटस्टाइन और जो हमारा पाचन तंत्र है वो उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जो हम खाते हैं उससे कम ही वो ले पाता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा खाएँ प्रोटीन हम ज़्यादा लेना है हमें कैल्शियम ज़्यादा लेना है दूध और इसमें बताना चाहूँगा कि जो हम बुजुर्ग लोग हैं जिनको शुरू से ही आदत होती है कि रात में वो दूध पी के सोते हैं तो वो रात में दूध ना पी के दिन में दूध पी लें क्योंकि रात में वो पीते हैं फिर उसके बाद उनको रात में पेशाब आता है और वो बाथरूम में जाके कई बार गिर भी जाते हैं उससे उनके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं तो इसमें यह है कि उनको खाना बार बार लेना है जैसे डॉक्टर गुट्टू ने बताया कि दिन में छः बार वो खाना खाएं जैसे हम बच्चे को खिलाते हैं बार बार ऐसे ही उनको भी थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार खाना है कई बार ये होता है कि सिर्फ़ एक रोटी खाते हैं पूरे दिन तक वो उनका चलता रहता है चाय या दूसरे वैसे जो मतलब स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो आपको नहीं करना है और प्रोटीन दूध आपका पनीर वगैरह जितना भी आप जो नॉर्मल एक दाल जितनी भी जो आप अच्छी जो डाइट है आप वो ले सकते हैं जी बिल्कुल तो अच्छी एक संतुलित आहार एक अच्छी डाइट आप लें और बिल्कुल अच्छा रहेगा ये बढ़ते हैं आगे और अब मैं डॉक्टर विजय आपका ही रुक करना चाहूँगी एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है जब जीवन साथी का साथ छूट जाता है ऐसे में हमने देखा है कि बहुत परेशानियाँ होती हैं तो क्या कहेंगे ऐसे में जी ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हमारे समाज में या पूरे देश में या पूरे विश्व में आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा जीती हैं पुरुषों की अपेक्षा पुरुष जो हैं उनकी उम्र थोड़ी कम होती है और वो पीछे जो है उनका महिलाएं रह जाती हैं ऐसे ही अगर कोई महिला एक्सपायर हो जाती है उनके जो साथी हैं वो पीछे रह जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या आती है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लाइफ में बिज़ी रहता है उनके बच्चे बिज़ी रहते हैं उनके दोस्त जो हैं वो भी बिज़ी रहते हैं तो वहाँ पर जो उनके जीवन साथी की कमी है इसको परिवार को समझना चाहिए वहाँ पर उनके बच्चों को उनके उनका साथ देने के लिए आगे आना चाहिए जहाँ वो जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि मेरे एक दोस्त हैं उनके फादर एक्सपायर हुए तो उसके बाद से मेरे दोस्त जो है हर रोज सुबह शाम अपनी मम्मी से पूछते हैं पहले कि मामा आपने खाना खाया कि नहीं खाया है तो सिर्फ और जब भी उनको छुट्टी मिलती है वो घर की तरफ जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा केयर उनको देने की जरूरत होती है जी। और उनके स्वास्थ्य का भी उसमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो सुख दुख अपना जिससे शेयर करते थे वो एक बार जाने के बाद जो है आपको एक एक्स्ट्रा केयर वहां पे देना पड़ता है ताकि उनमें अकेलापन या डिप्रेशन जो है वो घर ना कर पाए और अगर आपको लगे कि उनको डिप्रेशन हो रहा है तो उसके लिए इलाज भी लें बहुत सी बार हम ये सोचते हैं कि सिर्फ बातों से ही इलाज हो जाता है ऐसा नहीं होता है अगर आपको लगता है कि उनको बार बार रोना आना या बार बार एक पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम इसे बोलते हैं तो उसका भी आपको इलाज लेना ज़रूरी है जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए और मैं अपने जवान जो दर्शक हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो सुबह शाम सुबह उठते ही पहली कॉल अपने माता पिता को करें और शाम को सोने से पहले एक बार अपने माता पिता को जरूर कॉल करें और एक बार मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं क्या बात करूँ रोज उनसे क्या बात करूँ उनको आदत नहीं होती है तो मैंने उन्हें कहा कि लोग जो है अपनी पत्नी से या अपनी जो गर्लफ्रेंड होती है उससे भी तो मतलब सब बातें करते हैं कि आपने अभी खाना खा लिया 24 घंटे तक उनकी बातें चलती रहती तो आप अपने माता पिता से वैसा रिश्ता क्यों नहीं रख सकते उनको भी ज़रूरत है आपकी वो जब आप बच्चे थे तो वो भी आपका इतना ही ख्याल रखते थे पूरा पूरा दिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने आप पर लगा दी है तो अब ये पे का टाइम है आपको भी उनको टाइम देना है जी बिल्कुल तो जो समय उन्होंने हम पर लगाया है अब हमारी बारी है कि हम अपने बुजुर्गों को अपना समय दें उनके साथ बिल्कुल प्रेम भाव के साथ रहें देखिए बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे हमारे जो बड़े हैं बढ़ते हैं आगे हम इसी के साथ और डॉक्टर गुटूब मिससे मैं और चर्चा करना चाहूंगी लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया गया है आइए उनका सवाल जान लेते हैं हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में क्या सवाल है आपका मेरा प्रश्न यह है कि मेरे जी पिताजी के जो घुटने हैं घुटनों में दर्द है जी क्या उम्र है उनकी उनकी बासठ साल है जी बिल्कुल डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे वही मैं इनसे पूछना चाहूंगा इनका एक्सरे हुआ है घुटनों का कोई एक्सरे तो नहीं करवाया डॉक्टर साहब लेकिन इलाज करवाया था तो डॉक्टर ने बताया की इनको कैल्शियम की कमी है जी जी कैल्शियम की कमी तो दवाइयों से पूरी की जा सकती है लेकिन एक बार घुटने का एक्सरे कराकर उसकी अभी की अवस्था जानना जरूरी है कि उसकी स्थिति अभी क्या है तो उसी के हिसाब से आगे आपको फिजियोथेरेपी से आराम मिल सकता है और कुछ जो परेज़ हैं कि आपको इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है नीचे बैठ कर काम नहीं करना है और दर्द के लिए वो पैरासीटामोल की जो टैबलेट आती है वो ले सकते हैं बजाय कि दूसरे जो पेन किलर्स हैं वो ना खाएं उनसे जो है किडनी पर असर आता है क्योंकि बुज़ुर्गों की किडनी पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है पेन किलर्स का तो वैसे वो बैन भी हैं लेकिन फिर भी लोग जो है उनको लेकर खा लेते हैं तो वो ऐसा ना करें और अगर ज़्यादा तकलीफ है तो उसका एक्सरे कराकर फिजियोथेरेपी लें अगर उससे आराम नहीं होता है तो फिर दूसरे इलाज जो हैं जैसे घुटने बदलना है वहाँ तक भी आप जा सकते हैं बिल्कुल तो क्या करना है आपको हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है बिल्कुल बुजुर्गों का ख्याल किस प्रकार रखा जाए कैसे अपने पन से. उनको बिल्कुल स्वस्थ रखा जाए हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं ही देखते रहिए हमारा लाइफ ऑन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर कामयाबी है अन्नदाता की ये कहानी है खेत और खलिहानों की कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर बारह बजकर पांच मिनट पर महका महका घर आंगन हरियाली से खिलेगा मन छत पर छोटी सी बगिया जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह नौ बजे के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइफ फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, में साठ के बाद कैसे रहें स्वस्थ और मस्त आपके पास कोई सवाल है तो जल्द से अपना फोन उठाइए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है समस्याओं का समाधान जान लीजिए हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद है बिल्कुल इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर गुटू आपका रुख करना चाहूंगी आमतौर पर सुनते हैं कमजोरी लग जाना बिल्कुल आपके पास भी कई मरीज आते होंगे कहते होंगे कि कमजोरी सी लग रही है कोई दवा लिख दीजिए ऐसे में आप क्या सलाह देते हैं आप कमजोरी और बुढ़ापा इसमें भी हर चीज एक स्पेक्ट्रम के तौर पे हुँ. एक तरफ ये एक तरफ वो जी. तो अगर यूं देखें तो उम्र के बढ़ने से जो हमारी एनर्जी का ऊर्जा का जो प्रोडक्शन है बॉडी से प्रोडक्शन एनर्जी का वो हुँ. उसमें गिरावट आती है हुँ. उसको हम वीओ टू मैक्स कहते हैं वो एज के साथ कम होता है इसको इसको इससे निपटने का इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है रेगुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट तेज तेज चलें या आम जिंदगी में एक्टिव रहें फिजिकली जी यही एक तरीका है जिससे हम इसको स्लो कर सकते हैं वरना ये सब में 25 साल के बाद से VO2 मैक्स जो एनर्जी का उत्पादन है ऊर्जा का उत्पादन है शरीर के अंदर वो उसमें गिरावट आती है और ये सीधी लकीर नीचे की तरफ जाती है एज के साथ तो एक तो एक वो है जो कि है सब में और इसको तोड़ने का तरीका रेगुलर एक्सरसाइज इससे हम इसको काफी हद तक रोक रोक सकते सकते हैं हैं तो नहीं करते रोक सकते हैं। जी। दूसरा बीमारी अगर आपकी एनर्जी कम होती जा रही है तो एक तो हो सकता है कि आप बुढ़ापा आ रहा है और आप नहीं कर रहे एक्सरसाइज दूसरा है कि बीमारी ने आप में जड़ पकड़ लिया हो उसमें सब में इंपॉर्टेंट है डायबिटीज की बीमारी शुगर की थायराइड की बीमारी जी, और डिप्रेशन की बीमारी डिप्रेशन जिसे काफी आम है जो सोच में एकदम आ जाती है। जी, जी और आइसोलेशन सोशल आइसोलेशन अलग रहना सबसे अकेलापन जैसे अभी डॉक्टर विजय अकेलापन भी एक बहुत ही बीमारी नहीं है लेकिन एक सामाजिक है सबके हल हैं सबके हल हैं और ये मेन तो ये है बाकी बहुत सी बहुत से कारण हैं जो कि इतने कॉमन नहीं है जिसकी वजह से थकावट जल्दी आती है यहाँ पे एक मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो खून की कमी होना एनीमिया जिसे हम बोलते जी हैं वो बुज़ुर्गों में बहुत कॉमन है और जैसे फ्रेलिटी एक होता है और एक शार्कोपिनिया हम बोलते हैं मसल मास जो है वो बुज़ुर्गों का कम हो जाता है तो यहाँ जो उनकी प्रोटीन इनटेक है जो प्रोटीन वो कम खाते हैं या डाइट कम कर देते हैं तो सब का एक बार क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र से के जो साथी हैं उनसे आप कम चल पा रहे हैं उनसे जल्दी थक जाते हैं तो आपको ज़रूरी है कि आप एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराएं कि आपको कोई हो सकता है बवासीर की कोई समस्या है उसकी वजह से आपका खून निकल रहा है या कोई दूसरी बीमारी है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डायबिटीज़ है या कोई किडनी की बीमारी है।, है मैं यहाँ किसी को डराना नहीं चाहता लेकिन हम ऐसे मरीज देखते हैं कि जिनको एकदम से ही पता लगता है कि हमें ये बीमारी है तो ये ज़रूरी है यहाँ पर कि आप अपना चेकअप कराएं जो अपने नॉर्मल साथियों से अगर आपको दिक्कत लगती है लगती है, तो। लगती है तो बिल्कुल बढ़ते हैं आगे कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं राजस्थान से फारूक जी ने हमें कॉल किया है क्या है उनका सवाल आइए जान ले हेलो 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 जी नमस्कार स्वागत आपका कार्यक्रम में क्या सवाल है आपका मैंने साब मतलब मेरी मम्मी के गठे बाए की बीमारी हो जी जी मेरी मम्मी के गठे बाए बताए डॉक्टर साब ना जोड़ों में दर्द रहता है हम्म तो डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे जी गठे जोड़ों में आप... दर्द रहता है जोड़ों हम्म हम्म <coughs> तो उसकी जांचें हुई हैं खून की जांचें वगैरह हुई हैं आपकी आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे खून की जांच हुई है, जी, जी। जी, है? उम्र पूछे हाँ जी, जी, जी।, जी आप बताएं खून उमर... की जांच हुई है अभी तक आ, खून की जाँच कर उम्र साठ जी, बताएं जी मैं यहां बताना चाहूंगा कि गठिया बाव एक जो है, उसमें अगर आपको प्रूवन एक हो जाते है मेरे को गठिया बाव है तो उसके बाद जो है आपको उसका रेगुलर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है ये बेसिकली जो हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उनमें जाके ये बीमारी जो है उनको धीरे धीरे वो कर देती है तो उसमें एक रेगुलर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उसमें इधर उधर इनको भटकने की बजाय रेगुलर अपना ट्रीटमेंट वहाँ से लेते रहें और जो जो बता रहे हैं फिजियोथेरेपी या जो जॉइंट्स में जो डिफॉर्मिटी होती है वो ना आने दें और एक मैं यहाँ पर ये यह बताना भी चाहूँगा कि ये जो बीमारी है ये ऐसी बीमारी है कि धीरे 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 जो है बढ़ती है दवाइयों से भी इसका प्रोग्रेस थोड़ा बहुत रोका जा सकता है लेकिन फिर भी ये बीमारी ऐसी होती है कि ये उम्र जो इनकी जो रोमैटाइड आर्थराइटिस जिसको बोला जाता है ये उम्र धीरे धीरे उसमें बढ़ती है जिन लोगों को ये होती है और ये किसी को भी हो सकती है बेसिकली तो उसमें इनको रेगुलर इसका इलाज लेने की ज़रूरत है बजाय इसके कि आज यहाँ इलाज लिया कल वहाँ इलाज लिया ऐसे मरीजों में क्योंकि उनको उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं दिखते हैं तो अपना डॉक्टर बदल लेते हैं या फिर जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उनमें चले जाते हैं तो यहाँ पर जरूरी है कि अगर इनकी बीमारी कायम हो गई है उसका डायग्नोसिस अगर बन गया है तो ये रेगुलर उसका इलाज लें जी बिल्कुल तो लगातार अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहें और साथ ही साथ घर वाले जो हैं बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करें बातचीत करते रहें ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर विजय ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी जब हमारे घर में बुजुर्ग हों तो हमें क्या क्या बदलाव घर में करने चाहिए जिससे उनको सहूलियतें मिल सकें जी जैसे लोग जब बच्चा पैदा होता है तो अपने घर में एक माहौल बनाते हैं कि बच्चे एक एटमोस्फियर इतना अच्छा बनाया जाता है ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारा एक सपना है कि हम अपने बुज़ुर्गों के लिए भी अपने घर में जो ज़रूरी चेंजेज हैं वो करें आप अपने बाथरूम से अगर शुरू करें तो वहाँ पर लाइट अच्छी रखें आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में सिर्फ ज़ीरो वाट का बल्ब रखते हैं बाथरूम में पूरे घर में अच्छी रोशनी रहेगी लेकिन बाथरूम में वो बिल्कुल ज़ीरो वाट का बल्ब रखें वहाँ पर कम क्योंकि उनकी आँखों की रोशनी पहले ही कम होती है तो वहाँ पर वो गिर जाते हैं और आपके बाथरूम में ग्रैब बार्स लगाएँ उस अपनी शीट को ऊंचा करके रखें उसमें जो और उनके हाइट के हिसाब से और वहाँ पर जो अपने घर में कालीन या जो टेबल उनको अस्त व्यस्त ना रखें जिससे कि वो उनको गिरने का ख़तरा रहता है उसमें फँस कर और घर में लाइटिंग अच्छी रखें उनके बेड बिस्तर के पास जो है आप उनके लाइट का बटन रखें ताकि वो उनको जो है गिरने से बचाया जा सके और मोटे मोटे बड़े बड़े अक्षरों में जो है वहाँ पर उनके जो चीज़ें हैं उनके बारे में लिखा जाए और जैसा कि आपको पता है कि भूलने की समस्या एक बहुत ज़्यादा हो जाती है बुजुर्गों में तो वो उन्हें डेली जो जो है है डेट्स वगैरह बताना बताना दिन बताना, ये सब वो घर में तो ये सब हम बदलाव कर सकते हैं जिससे उनको और भी ज्यादा मदद मिल सके आसानी होने में जो बिल्कुल डॉक्टर साहब एक मेल आई हुई है मेरे पास दिल्ली विकासपुरी से सुनीता देवी जी ने मेल की है और ये कहती है कि मेरी उम्र बढ़ रही है और साथ साथ यादाश्त में मुझे कमी देखने को मिल रही है तो ऐसे में क्या कहेंगे जैसा कि मैंने अभी बता रहा था कि यादाश्त की कमी जो है हमारे जो न्यूरल जो न्यूरोन्स हैं जो दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे वो एज होती है उनकी तो लोगों में भी यादाश्त की समस्या आती है कुछ जैसे हम घर में कुछ चीज़ रख के भूल गए वो एक आम बात है तो इसके लिए एक डिटेल्ड इनको वो इसका करने की ज़रूरत है कि इनको किस किस उसमें दिक्कत आती है जैसे कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है कि कोई काम करने में दिक्कत आ रही है इसमें जो है इनकी पुरानी यादाश्त में दिक्कत है कि नई जो जो बुज़ुर्गों में मेन समस्या होती है जो नई जो चीज़ें होती हैं वो उनको याद नहीं रहती हैं तो उसके लिए इनको हमारे यहाँ एक यादाश्त का क्लिनिक लगता है क्योंकि ये दिल्ली से ही है तो मैं बताना हुँ. चाहूंगा कि बुधवार को दोपहर में दो बजे हमारा क्लिनिक होता है जी. तो उसमें आकर एक बार ये दिखा सकती हैं। और इसके काफी कारण होते हैं कुछ कारण होते हैं जिनको ठीक किया जा सकता है कुछ होता है बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी यादाश्त कम है बल्कि होती नहीं है होती तो, नहीं है लेकिन ये भ्रम भ्रह्म आ जाता, जाता है, है तो उसको ऐसी समस्या हो रही है तो उसके लिए हम एक्सरसाइजेज बताते हैं उनको की आप जो है की सुडोकू जो होता है जैसे और जो आप कोई नई हॉबी अपनी सीख सकते हैं जी जैसे म्यूजिक तो थोड़ा सा बदलाव ले आए जीवन शैली में और अपने आप की जो चीजें हैं उन्हें याद रखा जा सके बिल्कुल तो देखिए बहुत सारी बातें जो हैं हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में उभर कर सामने आई कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और कैसे हम उनको आसानी से घर में ही सुलझा सकते हैं ताकि हमारे बुजुर्गों को उससे सहूलियत मिल सके और उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की बहुत बहुत धन्यवाद आपका think बिल्कुल तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी सलाह आपको दी है आप उससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे दोस्तों समय के अभाव के कारण हम बहुत सारे फोन नहीं ले पाते और बहुत सारे मेल्स जो हैं वो आपके पिछले सप्ताह भी हमारे पास आए हैं जैसे आपको बता दें दिल्ली से कुसुम द्विवेदी जी ने पूछा है कि पिछले दस से पंद्रह दिनों से उन्हें घबराहट और चक्कर आने की शिकायत है क्या कर सकती हैं वो साथ ही साथ आगरा से राखी बंसल ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है लुधियाना से गुरबाज सिंह पूछते हैं कि उन्हें गुर्दे में पथरी है सालों साल इलाज कराते हैं लेकिन दर्द कम नहीं होता दोस्तों हम बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखेंगे और उनका समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से दो दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी और आप हमें लगातार लिखते रहें इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा पता नोट कर ले हमारा पता है डीडी किसान कमरा नंबर सात दूसरी मंजिल केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली एक एक शून्य शून्य चार नौ ये तो हो गया हमारा पता हमारी ईमेल हमारी आईडी की हमारी ईमेल मेल है स्वस्थ किसान एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो बस आज के लिए इतना ही अब अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मंगल रहिए और दूरदर्शन किसान देखते रहिए नमस्कार